सिनेमाघरों में नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लेकर के झगड़े कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी होता था और अब भी होते हैं। एक दिन में दो फिल्में अगर रिलीज हो रही हों तो झगड़ा उनमें ही नहीं बल्कि एक हफ्ते के अंतर पर रिलीज होने वाली फिल्मों में भी है। पिछले साल दो बड़ी फिल्मों के साथ हमने ये देखा, एक तरफ थी 83, ये भी रणवीर सिंह की थी, और एक तरफ स्पाइडरमैन जो एक हफ्ते के अंतराल में रिलीज हुई। अब एक बार फिर से अवतार और सर्कस के साथ ही होने वाला है। एक बार फिर से रणवीर सिंह की सर्कस और डिज्नी की अवतार आपस में क्लैश कर रही हैं और स्क्रीन का विवाद लगातार सामने आ रहा है। आपको बता दें कि डिज्नी ने 2K सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों की मांग की है और सर्कस को हटाने के लिए कहा है। खासतौर से पूरे दो हफ्ते के लिए डिज्नी के मेकर्स चाहते हैं कि सिर्फ अवतार द वे ऑफ वाटर ही स्क्रीन पर दिखे। इसका मतलब ये होगा कि जो थिएटर मालिक ये चाह रहे हैं कि सर्कस को भी साथ दिखाया जाए, डिज्नी की मांग के चलते ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो हफ्ते के लिए वो एक्सक्लूसिवली 2K थिएटर्स अवतार को देना चाहते हैं, लेकिन सिनेमाघर मालिक ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो अवतार की एडवांस बुकिंग को लेकर के बेहद एक्साइटेड हैं, क्योंकि अवतार की अगली कड़ी के लिए लगातार मांग उठ रही थी और इसके साथ ही अवतार की एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन सर्कस की स्क्रीनिंग को मिस करना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शेट्टी की फिल्में कभी निराश नहीं करती हैं। दोनों फिल्में अगर एक साथ दिखाई जाती हैं तो ये एक मेगा क्रिसमस और न्यू ईयर बोनांजा जैसा हो सकता है। इसलिए थिएटर मालिक चाह रहे हैं कि एक ऐसा समाधान निकाला जाए कि दोनों फिल्में एक साथ दिखाई जा सके। डिज्नी और रोहित शेट्टी का क्लैश भी कोई नया नहीं है। 2021 में दिवाली पर एक तरफ रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी थी तो दूसरी तरफ थी इटर्नल्स। हालांकि सूर्यवंशी के मेकर्स ने भी इटर्नल्स का शो नहीं चलाने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी इस गतिरोध को सुलझा लिया गया और दोनों ही फिल्में दिखाई गई। अब इस बार अवतार और सर्कस के बीच की इस उलझनों को कैसे सुलझाया जाता है और क्या वक्त रहते ये मुद्दा सुलझता है, क्या दोनों को स्क्रीन्स मिल पाती हैं, ये देखने की बात है।